चलिए अब आपको सीधा गुजरात लिए चलते हैं, जहां सुरेंद्रनगर से इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह लाइव है। दुनिया नु सबसे ऊंचो पंपिंग स्टेशन अपना दशहरा मत छे। आम जो तो टोपी नीचे पड़ी जाए एटलू ऊंचू बनावी भाई, अने अहींथी पाणी उचकीने समग्र सौराष्ट्र में पहोंचाड़वानुं काम आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना नेता नरेन्द्र मोदी आखा पंथक नी अंदर पीवानुं पाणी सिंचाईनुं पाणी न केवल पहोंचाड्युं। आटला बधा भाईओ बैठा छे, खेडूतो बैठा छे, मने कहो भाई मांडवी ना कपास ना आवा क्यारे भाव मल्या छे? कहजो जरा, अरे जोर थी बोलो, मल्या छे? आ वक्ते कहेवू पड़ी छे टेका ना भाव लगाओ, कहेवू पड़ी छे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापार नीति ए रीते बनाई जेना केन्द्र में खेडूत सारा में सारा भाव खेडूतों ने मले ए भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार की। दूधरेज वढ़वाण 9 करोड़ रूपया थी पीवाना पानी की योजना बनाई, 370 करोड़ रूपया ना लागत थी मेला मैदान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनायु, 130 करोड़ रूपया थी मेघाणी बाग में इंटरनेशनल स्तर नो स्विमिंग पूल बनायो, सूरसागर डेरी में 9 पनीर नो प्लांट लगाई अने बधा पशुपालकों ने दूधना भाव ऊंचा मले एनी व्यवस्था करी। आ कांग्रेस आवे डेरी बंद करी दीधी थी, नरेंद्र भाई पाणी ए मोकलायो अने डेरी ए चालू करी दीधी। धोली धजा बंद पर पर्यटन नी योजना बनाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हेठळ 1 लाख थी वधारे बहनों ने सुरेंद्रनगर जिल्ला में गैस नु मफत कनेक्शन आपवानुं काम आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2,63,000 खेडूतों ने दर वर्षे 6,000 रूपया बैंक खाता में कोई वचटिया वगर सीधा मोकलवानुं काम नरेन्द्र भाई कर्युं हतुं। अने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एकला आपड़ा जिल्ला में अत्यार सुधी 344 करोड़ रूपया खेडूतों खाता में जमा थई गया छे। 2 लाख थी वधु शौचालय बनाया, खाली दशहरा में 33,000 शौचालय। भाई मने दशहरा वाला कहे जरा, आ कांग्रेस ना राज में अहीं कोमी तोफानो थता था के नता थता? अरे जोर थी तो बोलो भाई, हूं थयुं छे? એને ભાજપા બધી હિંમત છે? કોઈ જરા બોલો જોરથી, હિંમત છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બન્યા પછી સમગ્ર રાજ્યની અંદર 20 વર્ષ સુધી ક્યાંય કરફ્યુ નથી લગાવવો પડતો। આ દાદાઓ ને મોચી મોટી મૂછો આમ લીંબુ ગોઠવા એવી, એની પર લીંબુ ગોઠવા એવી લકડી તેલ લગાવી ફરતા હતા। આખા ગુજરાતમાં એકે દાદો નથી, હનુમાન દાદો એકલો જ ગામમાં જતો। ગુજરાતના કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શાંતિ અને સદભાવનાનું વાતાવરણ કર્યું। પોરબંદરથી માંડી આગા દરિયા કિનારા પર દાનચોરોનું રાજ હતું, વીણી વીણી બધા જેલમાં ગયા, કાં તો ગુજરાત બહાર નાખા ભાઈ। આ કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું। મને કહો ભાઈ, આ બહેનો જરા જોરથી બોલે, અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનવું જોઈએ કે ના બનવું જોઈએ? જોરથી બોલો, બનવું જોઈએ કે ના બનવું જોઈએ? બાબરે તોડ્યું ત્યારથી લાખો લોકોએ બલિદાન આપ્યું, પણ રામ મંદિર નહોતું બનતું। નરેન્દ્રભાઈએ રામ મંદિરનું ભૂમિ પૂજન કરવાનું કામ કરી અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનાવવાની શરૂઆત કરી દીધી। અને રાહુલ બાબા રોજ મને પૂછે, 2014 ના ઇલેક્શનમાં હું પાર્ટીનો અધ્યક્ષ હતો, કારણ કે
कि मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लो राहुल बाबा, आज तमने तिथि कही दो, पहली जानुआरी 2024 ने अयोध्या की टिकट कराई दो, गगन चुंबी राम मंदिर तैयार हो गए। आटली बड़ी बहनों और भाइयों छे भाजपा की सरकार आया, पहला गामड़ा में 24 कलाक वीजळी आवती थी, भाई हाचू कहजो, भगवान माथे राखी कहजो, आवती थी। हवे आवे छे के नहीं आवती? कोई मागवाद ना, जो पण टना टन वीजळी 24 कलाक वीजळी गामड़ा में मोकलवानुं काम आ भारतीय जनता पार्टी करी। मित्रों, मने कहो आ काश्मीर आपणुं खरुं के नहीं? अरे जोर थी बोलो ने, आपणुं छे ने? तो आ 370मी कलम हटावी जोईए कि ना हटावी जोईए? जवाहरलाल नेहरू नाखीन गया त्यारथी 70 वर्ष सुधी आ 370मी कलम कोंग्रेस पोतानो वालो दीकरो एम खोड़ामां राखी रमाण रमाण करता। केम? એમની વોટ બેંક ની રાખી, એમની વોટ બેંક કઈ છે ખબર છે ને ભાઈ? અરે બોલો પાટી વાળા, કા તો સમજાવું, ખબર છે કે નહીં? કોણ વોટ બેંક કે ખબર છે ને? વોટ બેંક ના કારણે તો સુરેન્દ્રનગર મે અમિત શાહ ઇસ વક્ત મૌજૂદ થે ઓર સંબોધિત કર રહે થે।